जब आप सीडी प्लेयर में किसी भी सीडी को डालते हैं प्ले करने के लिए, तो वो सीडी प्लेयर किस टाइप का मोशन करता है? क्या वह सीडी प्लेयर एक्सेलरेटेड भी हो रही है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम पता लगाते हैं। दरअसल जब आप सीडी प्लेयर को ऑन करते हैं तो सीडी जो है वो एक ही स्पीड से, यानी कि उस दौरान ना ही तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है और ना ही उसकी स्पीड कम रहती है, बल्कि वो सीडी एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ में लगातार घूमता रहता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सो डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, मूव करता है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो, ना ही तो घटे और ना ही तो बढ़े, बल्कि उसकी स्पीड एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि स्पीड कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म स्पीड में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम वैसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा करते हैं। एक और बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, जो आपका घड़ी होता है, घड़ी का जो सेकेंड बताने वाला कांटा होता है, उसको आप ध्यान से देखिए। जब वो कांटा चलती है तो क्या अचानक सेकेंड वाली जो कांटा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है या उसकी स्पीड घट जाती है? शायद आपको ये जवाब मालूम होगा कि ना ही तो सेकेंड हैंड का जो कांटा है उसकी स्पीड अचानक घटती है और ना ही बढ़ती है, बल्कि वह एक ही स्पीड से घूमते रहती है। किसमें? सर्कुलर पाथ में। तो इसका यह मतलब हुआ कि वो जो सेकेंड हैंड है किसी भी वॉच का, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस चीज को हम लोग यहां पे और भी डिफरेंट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सो फाइनली हम यहां पे जान पाएंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो और उसकी स्पीड अगर एक जैसी बनी हुई है, यानी कि उस दौरान उसकी स्पीड जो है ना ही तो स्लो होती है और ना ही तो फास्ट होती है, बल्कि वो एक कांस्टेंट स्पीड में अगर चलती है, एक जैसे ही स्पीड में चलती है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो एक्चुअली बॉडी एक्सेलरेटेड होती रहती है। अब ये कमाल की बात आ गई, ये बॉडी एक्सेलरेटेड कैसे होती है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप समझते होंगे कि वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज करने के कई मेथड हैं। या तो आप इसकी स्पीड को चेंज कर दो, यानी कि चेंज इन स्पीड, एक तो यह तरीका होगा। दूसरा क्या तरीका होगा? चेंज इन डायरेक्शन। अगर आप ऑब्जेक्ट का क्या कर दोगे, डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो भी वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा क्या तरीका है कि अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही है। सो जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होते रहते हैं। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आप एक इस तरह से रस्सी ले लीजिए और इस रस्सी में यहां पे आपको एक पत्थर को बांध लेना है। अब आपको करना क्या है, इस पत्थर को गोल गोल इस तरह से घुमाना है। तो पत्थर इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमना शुरू हो गया।
तो अब देखिए कि अगर ये पत्थर यहां पर है, तो जब ये पत्थर यहां पर है तो इस पत्थर का डायरेक्शन किधर है? यहां पर है। आप एक ही स्पीड से घुमा रहे हो, यहां पे स्पीड ना ही तो स्लो हो रही है और ना ही तो फास्ट हो रही है, लेकिन पत्थर एक ही स्पीड से घूम रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे पत्थर आता है तो इसका डायरेक्शन इधर होता है, लेकिन जब ये स्टोन इस पॉइंट पे आता है तो उस समय इसका डायरेक्शन इस ओर आता है। उसी प्रकार से जब पत्थर यहां पे आता है तो पत्थर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर यहां पे देखिए, पत्थर अगर इस जगह पे आता है तो इसकी डायरेक्शन यहां पर आ जाती है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हर पॉइंट पर जो स्टोन बंधा हुआ है आपके रस्सी से, हर पॉइंट पर क्या हो रही है, स्पीड भली सेम है लेकिन पत्थर का जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका यह मतलब हुआ कि ये जो स्टोन है ये एक्सेलरेटेड हो रही है। सो अब हम लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि पत्थर जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है और एक ही स्पीड से मोशन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड हम कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी इसका फास्ट कर रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पत्थर की जो स्पीड है वो सेम है, कॉन्स्टेंट है, एक ही स्पीड से उसको घुमाया जा रहा है, लेकिन पत्थर की जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है इसलिए हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेटेड हो रही है। सो इस बात से ये तर्क साबित हो जाता है कि जितने भी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सब एक्सेलरेटेड होते रहते हैं, भले ही उसकी स्पीड क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। उसी तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं कि जब घड़ी में जो लगी हुई सेकेंड कांटा होती है वो भी सर्कुलर मोशन करती है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूमते रहती है। उस समय वो जो आपका सेकेंड हैंड होता है उस समय उसकी स्पीड ज्यादा या स्लो नहीं होता है, यानी फास्ट या स्लो नहीं होता है, बल्कि वो एक ही स्पीड से घूमता रहता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होते रहती है। इट मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, इट मीन्स कि वो एक्सेलरेटेड होती रहती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका सेकेंड हैंड है या जो मिनट हैंड है किसी भी वॉच का, वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और वो एक्सेलरेटेड भी हो रही है। उसी प्रकार से और भी कई एग्जाम्पल हम लोग यहां पर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं मेरी गो राउंड को, क्योंकि ये भी क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता रहता है और ये जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में घूमते रहना चाहता है, एक्सेलरेटेड होना चाहता है, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने की जरूरत है। यानी हमें किसकी आवश्यकता है, फोर्स की आवश्यकता होती है। अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। तो किसी भी सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, और ये जो फोर्स होता है ताकि वो सर्कुलर ट्रैक में घूमता रहे, तो उस फोर्स को हम लोग कहा करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला करेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए फिर से हम लोग इस एग्जाम्पल में आते हैं कि अब देखिए यहां पे जो स्टोन बंधा हुआ है, जो पत्थर बंधा हुआ है इस रस्सी से, तो आप चाहते हैं कि ये रस्सी जो, ये जो पत्थर है वो गोल गोल इस ट्रैक में घूमता रहे। तो इसके लिए आपको इस पत्थर में क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स क्या होगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप चाहते हो कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, तो आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वैसे स्पेशल फोर्स का नाम हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
तो आप एक चीज महसूस भी करना कि जब आप पत्थर को बांध के गोल गोल अपने चारों तरफ घुमाओगे तो आपको महसूस होगा कि आप अंदर की तरफ किसी चीज को खींच रहे हो, यानी सेंटर की तरफ। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहा करते हैं, यानी कि आपकी जो फोर्स है वो इस ओर लगता हुआ नजर आएगा, आपको महसूस होगा जब आप इसको करोगे, ठीक है, खिंचाव आपको महसूस होगा। तो वो आपका जो फोर्स है दैट इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। उसी तरह से अब हम लोग कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग लेते हैं और वो अर्थ के चारों तरफ मोशन कर रही है। सो द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ये जो है ये एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो मान लीजिए कि आपका सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है और एक ही स्पीड से घूम रहा है, ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड कभी घट रही है कभी बढ़ रही है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अगर वो एक ही स्पीड से यानी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो सैटेलाइट है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो सैटेलाइट है वो एक्सेलरेटेड हो रही है। जवाब होगा हाँ, सैटेलाइट एक्सेलरेटेड हो रही है। क्यों? रीजन ये है कि भली सैटेलाइट का स्पीड कांस्टेंट है, यानी एक ही गति से सैटेलाइट चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है, ना ही तो उसकी स्पीड घट रही है और ना ही तो बढ़ रही है, वो एक ही स्पीड से चल रही है। लेकिन जब वो सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो हर पॉइंट पर सैटेलाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। अब डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रहा है तो क्या बदल रहा है? चेंज इन डायरेक्शन क्या बदल देगा? वेलोसिटी को चेंज कर देगा। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? यानी कि वो बॉडी क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगी। भले यहां पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए हम कहेंगे कि सैटेलाइट जो है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जो भी सैटेलाइट मोशन करता है अर्थ के चारों तरफ वो एक्सेलरेटेड होता रहता है। अब डेफिनेटली ये जो सैटेलाइट है ये आपके अर्थ के चारों तरफ घूमता रहे तो क्या लगाने की आवश्यकता है? डेफिनेटली आपको मालूम चल गया होगा कि इसको सर्कुलर ट्रैक में घुमाए रखने के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता होगी, और वैसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स बोला करेंगे। और यहां पर ये जो फोर्स लग रही है वो है ग्रेविटी फोर्स, जो अर्थ के जरिए लगता है, और वही ग्रेविटी ऑफ फोर्स जो है अर्थ का वो उसको हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रदान कर रहा है और सैटेलाइट को अपने चारों तरफ घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है? हम लोगों ने तो अभी तक तो बातचीत किया आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, लेकिन हमारा नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ का कौन कहलाता है? जी हाँ, मून, यानी कि चंद्रमा। जो चंद्रमा है वो एक नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ का माना जाता है, और ये जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता रहता है अर्थ के चारों तरफ। अब डेफिनेटली जो मून है वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है अर्थ के चारों तरफ और एक ही स्पीड से घूम रही है, तो हम कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो क्या ये एक्सेलरेटेड भी हो रहा है? क्या मून जो है वो एक्सेलरेटेड हो रहा है? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, मून जो है वो एक्सेलरेटेड हो रही है। तो प्रश्न आएगा कि एक्सेलरेटेड हो रही है कैसे? क्या इसके पीछे का लॉजिक आप दोगे? क्योंकि हर पॉइंट पर जब वो सर्कुलर ट्रैक में घूमती है मून, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है इट मींस कि वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। तो यहां पर मून जो है वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड हो रहा है। सो हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है
या नहीं है, इस बात का हम पता कैसे लगा रहे हैं? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रही है और एक ही स्पीड से घूम रही है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, और हम कह सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड भी हो रही है। और वो उस पाथ में घूमता रहे इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत होती है, और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहा करते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग यहां पे देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूमता रहता है, और ये भी आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहलाएगा। और क्योंकि हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो अर्थ का मोशन है वो एक्सेलरेटेड भी हो रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इस ट्रैक में वो घूमता रहे इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। सो फाइनली हम ये समझ गए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रही हो एक ही स्पीड से, तो इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, और जो भी सर्कुलर मोशन में होगा वो एक्सेलरेटेड होता रहेगा, और इसके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहा करते हैं। अब हम किस प्रकार से किसी भी बॉडी का स्पीड पता लगा सकते हैं जो भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है? तो देखिए, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमारा एक बॉडी है जो ये सर्कुलर पाथ में इस प्रकार से घूम रही है। अब हमें पता करना है कि वो कितनी स्पीड से घूम रही है, यानी कि अब हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली अटैच करने का प्रयास करेंगे। तो आपको मालूम है कि स्पीड निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस बाय टाइम की आवश्यकता होती है। तो अब यहां पर इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग यहां पर स्पीड को v से इंडिकेट करेंगे। अब देखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह का सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है, तो यहां से मान लीजिए कि कोई भी कार है या कोई भी व्यक्ति है, वो यहां से चलना शुरू करता है और ये इस तरह से सर्कुलर ट्रैक को इस तरह से पूरा एक राउंड लगाता है और यहां पे आके फिर से वापस पहुंच जाता है, यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो कार है ये कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। तो जब भी सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कवर्ड हमें दिखाना होता है तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 2πr। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो ये सर्कुलर ट्रैक है, यानी कि कार यहां से स्टार्ट हुई इस पॉइंट से और इस तरह से घूमते 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 ये इसी पॉइंट पे वापस आ गई, यानी कि एक राउंड ये कंप्लीट कर ली, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? 2πr बोला करते हैं। इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2πr बोला करेंगे। और इसको घूमने में कितना टाइम लगा, दैट इज टी से इंडिकेट करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा, 2 तो फिक्स नंबर है, तो बिल्कुल रहने देना है फिक्स। पाई का मतलब होता है 22/7। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप ये ले सकते हैं, 3.14 भी यूज कर सकते हैं। और आर का मतलब होता है रेडियस, जो एक फिक्स डिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, सो अब यहां पर आपको यही समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो वो कितने स्पीड से मोशन कर रही है। अगर हमें ये बात फाइंड आउट करनी है तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि डिस्टेंस होता है 2πr, और टाइम को इंडिकेट हम लोग करेंगे टी से। तो इस प्रकार से आप ये पता कर लेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वो कितनी स्पीड से कर रहा है, वो आप इजिली से कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक लड़का है और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, मेरी गो राउंड में वो सवारी कर रहा है, और वो एक ही स्पीड से, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि
ये जो बॉय है वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, क्या वो रेस्ट में है, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, यानी कि मोशन तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, या फिर उसकी मोशन एक्सेलरेटेड हो रही है, या फिर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेटली आप इस प्रश्न का जवाब जरूर पता कर लिए होंगे, इसका सही जवाब होगा इन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि ये जो लड़का है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब जवाब क्या है, क्योंकि जो लड़का है वो मेरी गो राउंड में सवार है और वो गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आपको मालूम है कि जो भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है वो एक्सेलरेटेड करती है, सो इसका सही जवाब सी होगा, यानी कि इन एक्सेलरेटेड मोशन। इस क्वेश्चन में देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सही है उसका जवाब देना है। इसमें कह रहा है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, मतलब कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तीसरा कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होता है। और चौथा कह रहा है कि ना ही तो स्पीड और ना ही तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो आप अच्छे से याद कीजिए तो आप पाएंगे कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, भले उसका स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इस कारण से हम कहेंगे कि वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट नहीं होता है, बल्कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, वेरी करता रहता है, वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहता है। सो इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अ पॉइंट ऑन अ ब्लेड ऑफ अ सीलिंग फैन। अब जैसे सीलिंग फैन तो आप जान रहे होंगे, सीलिंग फैन के ठीक ब्लेड के ऊपर एक पॉइंट आप देखिए, वो पॉइंट क्या करता रहेगा, क्या ऑलवेज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, ऑलवेज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में होगा, या मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, या वेरिएबल एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में होगा। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑलवेज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में होगा, यानी सर्कुलर मोशन भी करेगा और वो एक्सेलरेटेड भी करेगा।